हैं और ब्रोकरेजेस के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे उस पर भी नजर डालते हैं। इस बीच हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं जो हमें बताएंगे ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या निकल कर आ रहे हैं और कौन से स्टॉक्स इसके चलते फोकस में रहेंगे। गौरव बताए। जी हाँ, तो आज सबसे पहले बात करते हैं ब्रोकरेजेस में इन स्टॉक्स की जहाँ पे हमें Q1 के अपडेट्स मिले, और सबसे पहले आता है HDFC बैंक, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें तो थोड़े वीक सेट ऑफ नंबर्स हमें देखने को मिले थे। और इसी के ऊपर अगर ब्रोकरेजेस की बात करें तो कहीं पे JP Morgan ने ओवरवेट रेटिंग मेंटेन रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1800 रुपीज़ पे बरकरार रखा है। उनका मानना यही कि कहीं पे लोन मिक्स जो है वो शिफ्ट होते हुए देखने को मिल रहा है रिटेल और कॉर्पोरेट के साइज पे, और इसी के चलते उनका एक बुलिश व्यू अभी भी थोड़ा मेंटेन रखा है। बट अगर वीक सेट ऑफ नंबर्स तो है वो तो बैंक की तरफ से हमें देखने को मिले ही है। जेफरीज की अगर बात करें तो वहाँ पे उन्होंने भी बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1880 रुपीज़ पे रखा है, क्योंकि उनके हिसाब से भी कहीं पे एक डिसअपॉइंटिंग नंबर्स हमें देखने को मिले थे। बट आगे जाके निम्स पे नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। अगली बात करते हैं RBL बैंक की, जहाँ पे एक मिक्स सेट ऑफ नंबर्स हमें देखने को मिला था। वहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने फिलहाल के लिए मेंटेन रखा है अंडरवेट रेटिंग और टारगेट प्राइस है 250 रुपीज़ का। बट अगर हम बात करें तो उनका मानना यह है कि कहीं पे लिक्विडिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है बैंक के लिए। लोन बुक की अगर ग्रोथ की बात करें तो वहाँ पे भी एक हेल्दी ग्रोथ हमें देखने को मिला है। बट आगे जाके निम्स और बाकी पैरामीटर्स देखने पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रहेगा, ऐसे उनका मानना है, और इसीलिए उनका अंडरवेट रेटिंग जो है वो फिलहाल के लिए बरकरार रखा है। अगली बात करते हैं L&T की, जहाँ पे गोल्डमैन सैक्स ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 3700 रुपीज़ का किया है, क्योंकि उनका मानना यह है कि कहीं पे बजट में और गवर्नमेंट के 100 डेज प्लान में कहीं पे एक अच्छा अपटेक हमें देखने को मिल सकता है, जहाँ पे L&T को बेनिफिट हो सकता है। और अगर हम फिलहाल के लिए भी बात करें तो इंटरनेशनल बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इसीलिए उनका एक बुलिश व्यू यहाँ पे भी हमें बरकरार होते हुए देखने को मिल रहा है। आखिर में बात करते हैं रैमको सीमेंट की, क्योंकि एंटीक ने यहाँ पे डाउनग्रेड किया है उनका रेटिंग होल्ड पे, और टारगेट प्राइस है वो भी कट करके 840 रुपीज़ का किया है। उनका मानना यह है कि कहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हमें और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा कंपनी की तरफ से। अगर हम बात करें प्राइजेस साउथ स्पेसिफिकली अगर साउथ रीजन से, तो वहाँ पे एक म्यूटेड प्राइस हमें फिर भी अभी भी देखने को मिल सकता है, और नेट डेट जो है कंपनी का वो भी एक 5000 करोड़ के रेंज में हमें आगे जाके भी देखने को मिल सकता है, और इसीलिए उनका एक बेरिश व्यू यहाँ पे बना हुआ देखने को मिल रहा है रैमको सीमेंट। तो इन सब कंपनीज पे हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि ब्रोकरेजेस की तरफ से यहाँ पे एक काफी स्ट्रॉन्ग व्यू हमें देखने को मिल रहा है। जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के।